वहीं शिंदे गुट के एक और मंत्री ने अजीत पवार पे निशाना साधा है। शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री ने विवादित बयान दिया है कि वित्त मंत्रालय सबसे नलायक मंत्रालय है। गुलाब राव, बड़ा बयान यहां पर अजीत पवार के खिलाफ कि महाराष्ट्र सरकार में जिस मंत्रालय को अजीत पवार संभालते हैं उस पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि वित्त मंत्रालय सबसे नलायक मंत्रालय है। वाले आमुक वाले सगळे पाठी लागले आहे, एक 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 करतोय, पण म्हणजे मला म्हणायला नाही असं पाहिजे। टीव्ही वाले आणि पत्रकारांची माफी मागेल की त्यांनी नाही टाकलं तर बरं होईल, पण अर्थ खातं सारखं नालायक म्हणजे येऊ नको तो शब्द माझ्या तोंडात। आमची फाईल साहेब 10 वेळेस गेली अर्थ खात्यात, 10 वेळेस, पण मी पण पक्का गेली का माणूस पाठवायचा। शेख वहां जाके आके देख क्या चल रहा है, शेख तू आगे का देख मैं तेरे पीछे है। तिथं जाऊन कंटिन्यू आमची फाईल निगेटिव्ह होण्याची, कंटिन्यू आमची फाईल निगेटिव्ह होण्याची, पण मी पिछा सोडला नाही आणि आमच्या या मंडळीने पिछा सोडला नाही। जर हे 5-7 लोक माझ्या मागे राहिले नसते तर कदाचित मी कामाच्या व्यापामध्ये दुर्लक्ष केलं असतं। कंटिन्यू फॉलोअप घेणारा माणूस असला तर कसं काम होतं हे आपल्या हातपंप कर्मचाऱ्याच्या लोकांनी दाखवून दिलं। सीआरसी वाले अमुक वाले सगळे महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का बड़ा बयान, लगातार वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। महायुति आपस में बयानबाजी ना करें। शिंदे गुट से गुलाब राव हैं जिन्होंने अजीत पवार पर निशाना साधा था, अब महाराष्ट्र सरकार में दूसरे मंत्री हैं छगन भुजबल, उनका बयान भी सामने आ गया कि महायुति आपस में बयानबाजी ना करें। आज दादा जो है 10 बार जो है ये अर्थमंत्री हो चुके हैं और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में उन्होंने संभाला है। मैं श्री गणेश जी से, आज गणेश चतुर्थी है, प्रार्थना करूंगा कि हमारे सब लोग हमारे मित्र हैं, हमारे महायुति के सारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको परमेश्वर यही बुद्धि दे कि हम आपस में ऐसा कोई बयान न दे ताकि एक गलत चित्र जो है पिक्चर लोगों के सामने जाए। आज हमको ये दिखाना है कि हम सब एक है, महायुति के फिर भाजपा का हो, शिंदे शिवसेना या अजित पवार को, हम सब एक है और एक होकर जो है इस इलेक्शन में लोगों के सामने जा रहे हैं। ये चित्र हमें निर्माण करना होगा, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम योजनाएं महायुति सरकार ने लोगों को दी है।